हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन, आज आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ स्किन टीबी या क्यूटेनियस टीबी के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत रेयर डिजीज़ है और लेस देन 0.1% केसेस में ही, टीबी के जो टोटल केसेस होते हैं उसमें लेस देन 0.1% में ही स्किन टीबी या क्यूटेनियस टीबी देखने को मिलती है, जो कि बहुत रेयर है और नेट पे इसकी बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर आज एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे इसको होने से प्रिवेंट करना है और कैसे अपने आप को और अपने घर वालों को टीबी होने से बचाना है, क्योंकि स्किन टीबी बॉडी के अदर ऑर्गन्स में भी फैल सकती है और अदर ऑर्गन की टीबी स्किन पे भी आ सकती है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्किन टीबी जैसे कि दूसरी टीबी होती है, ऐसे ही स्किन की भी टीबी होती है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है, जो कि एक रॉड शेप बेसिलाई है। ये खांसने से, छींकने से, थूकने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए ट्रांसमिट होता है जनरली। लेकिन जो स्किन टीबी होती है वो बाहर से अगर स्किन में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई घाव हो रहा है, कोई अल्सर हो रहा है, तो डायरेक्टली स्किन की टीबी यहाँ भी हो सकती है और बॉडी के किसी और ऑर्गन से इस ऑर्गन में भी आ सकती है। तो आपको क्या लक्षण मिलेंगे, सबसे पहले तो आपको डाउट आएगा मन में कि स्किन टीबी हो सकती है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप स्किन पे देखें कोई घाव है, कोई अल्सर है, छिल गया है, वहाँ पे रेडनेस हो गई है, कोई चैंकर बन गया है, चैंकर होता है कि वहाँ पे कुछ जो मांस होता है वो इकट्ठा हो गया है, तो वो आप जो ठीक नहीं हो रहा है 4 से 6 हफ्ते तक, उसको आपने ऑब्जर्व किया कि वो नहीं ठीक हो रहा है, जो जनरल ऑइंटमेंट होती हैं वो लगाने पे और डॉक्टर्स को दिखाने पे भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो स्किन की टीबी हो सकती है। आप तुरंत उसको डर्मेटोलॉजिस्ट को या टीबी स्पेशलिस्ट को आप दिखा सकते हैं। वो उसमें क्या करेंगे, वो उसमें से एक बायोप्सी लेंगे, बायोप्सी लेकर के उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन स्लाइड्स बनती हैं और उसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम देखते हैं कि अगर उसमें एक फ्लावर लाइक अरेंजमेंट होता है सेल्स का, जिसे हम ग्रेनुलोमा बोलते हैं, या तो वो मिल जाए या फिर AFB स्टेन जीन एक्सपर्ट नाम के टेस्ट होते हैं, वो उसमें पॉजिटिव आ जाए तो वो डिक्लेयर हम कर देते हैं कि स्किन टीबी है पेशेंट को। और क्यूटेनियस टीबी क्या होती है, स्किन तो बाहर की लेयरिंग होती है उसको स्किन टीबी बोलते हैं, और क्यूटेनियस होती है जैसे मुंह की मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, या अंदर जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर है, स्टमक है, स्प्लीन है, उनकी जो बाहर की कवरिंग होती है उसे क्यूटेनियस मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। उस क्यूटेनियस मेम्ब्रेन्स की भी टीबी हो सकती है, जो कि ये एक बहुत रेयर डिजीज़ है। तो हमने पहले देख लिया इसके सिम्टम क्या होते हैं और ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। सिम्टम में एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि जो अदर जर्नलाइज टीबी के सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर है, वेट लॉस है, भूख ना लगना है, वजन में गिरावट है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स इसे जनरली देखने को नहीं मिलते हैं और ये पेनलेस होती है, बस एक अल्सर की फॉर्म में, रेडनेस, एरिदमा की फॉर्म में ही ये रहती है। तो इसको, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ है तो ज़्यादा सिम्टम्स इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। अगर ये स्किन की टीबी बॉडी के अदर ऑर्गन से आई है तो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अगर लंग से आई है तो लंग के सिम्टम्स जैसे खांसी, बुखार, सांस का फूलना, ये मिल सकते हैं, या लिम्फ नोड से आई है तो वेट लॉस, गांठों का एनलार्जमेंट, ये सारे सिम्टम्स जो अगर अदर ऑर्गन से आई है तो उस ऑर्गन के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज खाली स्किन पे आपको रैश, रेडनेस, स्वेलिंग, अल्सर, ये सब मिल सकता है। तो इसके प्रकार कितने प्रकार की ये होती है, इसमें एक स्क्लेरोफ्लोडर्मा होता है, एक लूपस वल्गेरिस होती है, तो इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये इसके कई सारी फॉर्म्स होती हैं, उस फॉर्म में ये प्रेजेंट कर सकती है, ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बेहतर बता सकते हैं। तो मैंने आपको आज इसके सिम्टम बताए, इसकी डायग्नोसिस बताई, फिर इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, 12 से 18 महीने तक इसकी दवाइयाँ चलती हैं, जैसे पल्मोनरी टीबी में 6 महीने दवाइयाँ चलती हैं, लिम्फ नोड टीबी में मैंने आपको बताई 9 महीने चलती हैं, ऐसे स्किन टीबी का ट्रीटमेंट लंबा होता है, 12 से 18 महीने तक इसका इलाज चलता है। और टीबी की दवाइयाँ वही मेन 4 दवाइयाँ हैं, जिसे हम बोलते हैं रेफेम्पेसिन, आइसोनियाजिड, कॉम्बुटोल और पाइरेजिनेमाइड, यही 4 दवाइयाँ हैं जो लंबी चलती हैं। शुरू के 3 महीने की इंटेंसिव फेज़ होती है जिसमें हम 4 दवाइयाँ देते हैं, और बाद की जो फेज़ होती है उसे हम कंटिन्यूएशन फेज़ या CP बोलते हैं, जो कि 12 से 15 महीने तक चलती है।
डिपेंडिंग ऑन द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट हम स्टॉप कब करते हैं? ट्रीटमेंट स्टॉप तब करते हैं जब वो रेडनेस, स्वेलिंग, अल्सर या इरिदमा है, इरिदमा होता है, रेडनेस को इरिदमा बोलते हैं, तो जब वो डिसअपियर हो जाए, जब आप देखें कि स्किन नॉर्मल हो रही है, उसमें कोई अल्सर नहीं है, कोई घाव हील हो गया है, या आप दोबारा से उसकी स्क्रैपिंग लेकर के एंड में दोबारा से हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन और साइटोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन उसमें करवा सकते हैं, या AFB स्टेन करवा सकते हैं अगर उसमें कोई पस आ रही है तो, या फिर स्लाइड के ऊपर भी AFB स्टेन लग जाता है। तो ये AFB स्टेन के माध्यम से, साइटोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि TB ठीक हो गई है। इसके अलावा कुछ अदर टेस्ट होते हैं जैसे कि ESR होता है, वो रेज हो सकता है, उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं कि ESR कम हो रहा है, ठीक हो गया है, तो आपको एक क्लू मिल जाता है कि हाँ TB ठीक हो रही है और हो गई है। इसके अलावा मोनटोक्स हो सकता है, कुछ पेशेंट के ऊपर हम TB गोल्ड भी कर सकते हैं अगर डायग्नोसिस में डिफ़िकल्टी हो रही है और डायग्नोसिस डाउटफुल है तो। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई TB का पेशेंट है तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि उनके जो बॉडी के सिक्रीशंस हैं, जैसे थूक है, सेलाइवा है, यूरिन है, फीसेज है, या बॉडी के जो अदर मटेरियल हैं, वो आपकी स्किन पर टच ना हो, आप उनके कॉन्टैक्ट में ना आए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि आपने अपना खान पान अच्छा रखना है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, एंटी ऑक्सीडेंट्स, मल्टी विटामिंस और मिनरल्स ज़्यादा से ज़्यादा आपने लेने हैं। आपने अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग नहीं करनी है क्योंकि उससे बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है और TB होने की संभावना बढ़ जाती है। आपने एक्सरसाइज टाइम टू टाइम पे करनी है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और सुबह मॉर्निंग में खाली पेट नहीं रहना है, हैवी ब्रेकफास्ट लेना है, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेना है। और जो बॉडी के सिक्रीशंस निकलते हैं अगर कोई TB पॉजिटिव पेशेंट आपके घर में है तो उनको आपने अच्छे से डिस्कार्ड करना है सिक्रीशंस को। आई होप फ्रेंड्स, ये स्किन TB, आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत रेयर है, इन्फॉर्मेशन बहुत कम अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा ये चेस्ट एंड TV सेंटर है आदर्श नगर में, B42 राजन बाबू रोड आदर्श नगर, आप इस पर आ सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप मेरे को दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।